गाजा का नरसंहार देख फिलिस्तीनी पीएम ने दिया इस्तीफा, मुस्लिम देश में भूचाल, हमास ने चल दी नई चाल। लद्दाख विवाद पर जयशंकर बोले, चीन से समझौता का उल्लंघन किया, वैश्विक संस्थानों में सुधार का आह्वान। राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव, आज यूपी कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग का डर, हिमाचल में कांग्रेस की जीत होना तय। मराठा आरक्षण मनोज जरांगे की बढ़ सकती है मुश्किलें, फिर हुई दर्ज FIR। वह प्रोजेक्ट जिसका श्रीनिवास नेहरू ने किया, 60 साल तक लटका रहा काम, पूरा हुआ मोदी सरकार ने। लालू के करीबियों की बड़ी मुश्किलें, राजद विधायक किरण बेबी के घर ईडी की रेड। अब लखनऊ से देहरादून के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। बीमारी में शामिल, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा विधायक मनोज पांडे, सीएम योगी से बात की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।